हेलो गाइस, वेलकम टू कीपीएस एजुकेशन जोन। मैं हूं किशन सर। अभी बात करने वाले हैं लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। पिछले वीडियो के अंदर हमने देखा था क्या देखा, कोफिशिएंट क्या रहता है, तो उसका जो न्यूमेरिकल फैक्टर है बराबर, उसे हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट न्यूमेरिकल फैक्टर। और एक दूसरा फैक्टर था जो था एलजेब्रिक, क्या था, ये दो चीज़ें हमने देखी थी बराबर। एलजेब्रिक, इसको हम क्या बोलते हैं, एलजेब्रिक फैक्टर को वेरिएबल भी बोलते हैं बराबर। ये दो चीज़ें हम सीख गए पिछले वीडियो के अंदर, मतलब कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होता है, ये जो होता है न्यूमेरिकल वो क्या हो गया आपका कोफिशिएंट, एंड देन जो एलजेब्रिक फैक्टर है वो क्या हो गया आपका वेरिएबल। ये दो चीज़ें समझ में आएगी तो आप कोफिशिएंट और लाइक अनलाइक टर्म जो इजीली समझ पाओगे। तो सबसे पहले देखते हैं लाइक टर्म्स क्या होता है। टर्म्स व्हिच हैव द सेम एलजेब्रिक फैक्टर्स इज नोन एज लाइक टर्म्स। एलजेब्रिक फैक्टर की मैंने आपको बात की थी कि आपको ये समझना होगा, ये समझ गए तो आपको पता चलेगा लाइक टर्म्स क्या होते हैं। जो भी एलजेब्रिक फैक्टर्स जो है वो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। एलजेब्रिक फैक्टर्स क्या होने चाहिए, सेम, तो क्या हो जाएगा आपका जो टर्म है वो लाइक हो जाएगा। देन अनलाइक टर्म्स उसकी बात करें, उससे पहले इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे। तो 5x एंड 3x, इन दोनों के अंदर हम सारे इसके फैक्टर्स देखें तो इसके अंदर जो फैक्टर्स है 5x का वो हो गया 5 मल्टीप्लाई बाय x। देन 3x की बात करें तो 3x में क्या हो गया, 3 मल्टीप्लाई बाय x। दो अलग अलग फैक्टर्स हो गए, एक हो गया न्यूमेरिकल फैक्टर दैट मीन्स 5 और इसमें हो गया 3। देन सेकंड हो गया एलजेब्रिक फैक्टर जो कि है x एंड f, दोनों जो x है वो क्या है, सेम है, दैट मीन्स ये क्या हो गया दोनों लाइक टर्म सेम। यहाँ पर बात करें 7y एंड 15y, 3y स्क्वायर एंड 8y स्क्वायर। देन अनलाइक टर्म्स, टर्म्स व्हिच हैव डिफरेंट एलजेब्रिक फैक्टर्स इज नोन एज अनलाइक टर्म्स। डिफरेंट, यहां पे देख लीजिए एग्जांपल में देखो 5x लिखा है, वो हो गया 5 मल्टीप्लाई बाय x, उसका जो फैक्टर्स है। देन 5x स्क्वायर की बात करें तो 5 मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय x, जिसको हम रिटर्न करते हो 5x स्क्वायर। तो यहां पे 5x तो कॉमन है बट एक x जो कॉमन है नहीं, दैट मींस इस टर्म के अंदर x का क्या है, एक्सपोनेंट वो सेम नहीं है। यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है, दैट मींस ये दोनों टर्म क्या हो गए, अनलाइक टर्म। सेम यहाँ पर 7y एंड 13y स्क्वायर, अगेन एक्सपोनेंट जो है मैच नहीं हो रहा है, दैट मींस टर्म क्या हो गई जो है अनलाइक। देन 7a 7b दोनों वेरिएबल, दैट मींस एलजेब्रिक है जो आपके फैक्टर्स है वो क्या हो गए, डिफरेंट, दैट मींस क्या हो गया, वो भी अनलाइक टर्म्स। यहाँ पे मैंने बात की थी न्यूमेरिकल फैक्टर्स मैटर नहीं करता। न्यूमेरिकल फैक्टर देखो यहाँ पर सेम है 5 5, न्यूमेरिकल फैक्टर से आपको लेना देना नहीं है। लाइक एंड अनलाइक टर्म्स के लिए आपको जो देखना है वो होना चाहिए एलजेब्रिक फैक्टर्स जो वो सेम होने चाहिए।